HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है HJ न्यूज में। टाइटैनिक की किस्से कहानियां दो सब ने सुने होंगे और फिल्मों में देखे होंगे, पर ऐसा ही एक किस्सा आपको आज हम बताने जा रहे हैं जो वाकया इससे बेहद मिलता जुलता है। बियॉर्ड नाम की एक शानदार जहाज जो कि एक ब्राजीलियन पत्रकार की थी, एक दिन हुआ यूं कि जब वह अपनी एक दस्तावेजी फिल्म बना रहे थे तब उनकी यह जहाज पानी में डूब गई। इसके डूबने की वजह 100 किलोमीटर की रफ्तार से बहने वाली हवा को माना जाता है। उस घटना का एक साक्षी बताता है कि हमारी जहाज एक बहुत ही बड़े बर्फ के टीले में फंस गई थी। सारे ही खोजकर्ता लोगों को बाहर निकल लिया गया था, पर इन सब में 2 दिन का वक्त लगा। वह यह भी बताते हैं कि हमारी जहाज करीब 30 फीट अंडर पानी में जम गई थी, जिसे आप देख सकते थे बिना किसी तकनीक की मदद से। इस जहाज की कीमत करीब $7 लाख है। इस जहाज की वजह से कई सालों से लोग इसके ऊपर चढ़कर डूबते लोगों की मदद करते रहे हैं। इस जहाज के मालिक का नाम शाओ लारा मैस्किटर है।